सर क्या मुद्दे दिखते हैं, किन अहम मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी? देखिए, जनता है वो महंगाई और बेरोजगारी से बेहद त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के पास इस पास कोई समाधान नहीं। 10 साल में और किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के समस्याएं बढ़ी है, युवाओं की समस्या बढ़ी है और इसलिए लोग हैं। अब जो कांग्रेस की घोषणा पत्र है, जो न्याय पत्र है, उस पर लोगों को विश्वास बढ़ा है। चाहे नारी न्याय की बात हो, युवा न्याय की बात हो, किसान न्याय की बात हो, भागीदारी न्याय है, इन सब जो न्याय राहुल जी ने दिया है उस पर लोगों को भरोसा है। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरे पास 100 दिन का रोड मैप तैयार है, चुनाव के बाद तो रोड मैप के हिसाब से काम होगा। वो तो 10 साल से कर रहे थे, उन्होंने तो कहा था कांग्रेस को 60 साल दिया, मुझे 60 महीना दो, वो भी मिल गया। जब नोटबंदी लगाया किया तब उन्होंने कहा था 50 दिन दे दो, मुझे किसी चौराहे में खड़ा कर देना, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आज तक कितना काला धन आया देश से ये भी पता नहीं है। फिर जब उन्होंने लॉकडाउन किया तब 21 दिन का समय मांगा था और लोग सड़कों पे इधर उधर भटक रहे थे, तभी इनके पास कोई था नहीं। अब 100 दिन किस बात का, 10 साल आपको मिला है, फिर 100 दिन किस बात के लिए? सर सपा के